ऐसे तीस क्वेश्चन है अभी हम फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो फोर्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं जब तो हमें समझ में आएगा हमें समझ में आएगा अ ब्लॉक ऑफ बेस टेन सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर ठीक है क्या है टेन सेंटीमीटर इंटू टेन सेंटीमीटर एंड हाइट पंद्रह सेंटीमीटर केप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन विजुलाइज हुआ इस चीज को इस चीज ये चीज द कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज रोड थ्री इंक्लेनेशन the of, of inclined ऑफ ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम द increased प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम जीरो दिया हुआ है सॉरी थीटा तो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं थीटा को हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं थीटा को हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं क्लियर है थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं वेरी गुड जब थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं द इनक्लेसन थीटा थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं जैसे मान लेते हैं ये इंक्लाइन प्लेन है इस इंक्लाइन प्लेन पर हमने क्या रखा है एक क्यूब रखा है इसका ये बेस जो है टेन इंटू टेन का है और ये हाइट पंद्रह सेंटीमीटर का है ठीक है द कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द देम इज ये रूट थ्री है रूट थ्री कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन रूट थ्री है द इनक्लेनेशन थीटा है इनक्लिनेशन क्या है थीटा ऑफ दिस इंक्लाइन प्लेन एंड इस थीटा को धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन तो का जो पार्ट है जो इसमें ऑप्शन जो दिया है एट थीटा ठीटा थर्टी द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन स्लाइडिंग का एक ही कंडीशन है स्लाइडिंग का एक यही कंडीशन है ड्राइविंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाए एक ही कंडीशन है बात समझ आ रही है तो मैंने कहा कि इसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो थीटा है। क्या है एमजी साइन थीटा? और ये ग्रेटर देन होना चाहिए किसके म्यू थीटा के म्यू एम जी थीटा के यानी कि बात करें हम एमजी से एम जी खत्म टेन थीटा कितना होना चाहिए ग्रेटर देन रोट थ्री म्यू की वैल्यू रोट थ्री है ना यानी टेन थीटा या तो साठ हो या फिर साठ से स्लाइटली बड़ा हो हम ये कहें कि पॉइंट जीरो 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 डिग्री एंगल इतना हो अगर इतना हो गया अगर इतना हो गया तो उस केस में यह स्लाइड करना शुरू कर देगा लेकिन इसके लिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ग्रेटर देन Root 3. और ऐसा कब होगा थीटा कब होगा ग्रेटर देन सिक्सटी डिग्री हाँ या ना सिक्सटी डिग्री थर्टी पर तो सवाल ही नहीं उठता है थर्टी पर तो कुछ हो ही नहीं सकता ऑप्शन ए इज द रॉन्ग द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन थीटा एंड देन इट विल टॉपल हमें नहीं पता ये क्या सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है कि ये सर्टेन एंगल तक रहेगा फिर इसके बाद टॉपल करेगा चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत प्रॉब्लम क्या आ रही है हम देखते हैं टॉपल कप करता है यह तो थीटा को सो पर 60 के बाद यह स्लाइड कर सकता है अब टॉपल कप करेगा यह देख लेते हैं चलिए देखते हैं टॉपल कप करता है मैंने कहा कि यह एमजी साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है ठीक है एमजी साइन थीटा एक दूसरा स्लाइड ले लू क्या <coughs> चलिए यहां कर देते हैं मैंने कहा कि एमजी साइन थीटा नीचे ले लेते हैं और जब mg sin theta फ्रिक्शन से कम होगा जब फ्रिक्शन से कम होगा mg sin theta उस केस में फ्रिक्शन से जब mg sin सॉरी फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से जब mg sin theta कम होगा तो फ्रिक्शन में mg sin theta के बराबर ही होगा ठीक है तो मैंने कहा mg sin theta नीचे की तरफ है मैंने इस पॉइंट को क्या लिया मोमेंट अबाउट दैट पॉइंट ठीक है मोमेंट अबाउट अमाउंट अबाउट दैट पॉइंट आप ये ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो चलिए मैं यही ले लेता हूं ठीक है इस पॉइंट की अबाउट मैंने मोमेंट लिया तो एम जी साइन थीटा इन टू पंद्रह बाई टू क्यों क्योंकि हाइट कितना था पंद्रह पंद्रह बाई टू ठीक है ये टॉर्क है किधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा इसके अबाउट मोमेंट लिया है और इसी के अबाउट फ्रिक्शन भी पास करेगा तो फ्रिक्शन का तो कोई टॉर्क ही नहीं होगा लेकिन हाँ नॉर्मल रिएक्शन का होगा नॉर्मल रिएक्शन का होगा क्लियर है सेंटर ऑफ़ मास के अबाउट ही ले लेते हैं हम ठीक है सेंटर ऑफ़ मास के अबाउट क्योंकि हम रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे तो मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम क्या ले रहे हैं मोमेंट ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम ले रहे हैं तो एमजी थीटा का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा उसके केस में ठीक है तो फ्रिक्शन का कितना हो जाएगा एमजी साइन थीटा क्योंकि फ्रिक्शन भी एमजी साइन थीटा ही लग रहा है इंटू पंद्रह बाई टू और नॉर्मल का क्या हो जाएगा नॉर्मल का क्योंकि नॉर्मल यहां से पास करें तो नॉर्मल कितने डिस्टेंस पर हो जाएगा पांच पर माइनस एम जी कॉस ठीटा इंटू फाइव ठीक है इंटू फाइव क्लियर है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए मैंने कहा एम जी साइन थीटा पंद्रह बाई टू ग्रेटर देन एम जी कॉस थीटा इंटू फाइव एम जी एम जी खत्म टेन थीटा ग्रेटर देन पांच बाई पंद्रह इंटू टू टेन थीटा ग्रेटर लेन टू बाई थ्री ये टू ये थ्री और ये कितना हो जाएगा चार प्लस नौ चार प्लस नौ चार प्लस नौ कितना हो गया अंदर रूट तेरह ठीक है क्लियर है अभी देखिए टू बाई थ्री रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सेवन थ्री क्या आसपास वन पॉइंट सेवन थ्री टू टू बाई थ्री की वैल्यू कितनी होती है जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स यानी इसको स्लाइड करने से पहले ये टॉपल कर जाएगा क्यों क्योंकि पर जो एंगल होगा होगा डिग्री से कम टॉपल क्या कर जाएगा टॉपल द ब्लॉक विल रिमेन्स एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू एंगल सर्टेन एंगल थीटा एंड देन इट विल टॉपल बात तो सही लग रही है फिर कहता है एट थीटा थर्ड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं सी ऑप्शन एट थीटा टू द द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन प्लेन एंड कंटिन्यू टू डू द सो एट हायर एंगल नहीं ये तो गलत हो गया इस एंगल तक वो रेस्ट में रहेगा ही नहीं टॉपल करना शुरू कर देगा एट एंगल थीटा टू द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन एंड ऑन फर्दर इंक्रीजिंग थीटा इट विल टॉपल एट सर्टेन थीटा ये भी गलत ये भी गलत ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस Question.